हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सुबह का टाइम मेरे पौने छः और मैं जा रही हूँ चर्च। 6:30 में होता है, बट बाई चांस टोटो सब नहीं मिलने से बोल के मैं पैदल ही चली जा रही हूँ। पहले पहुँच जाऊँगी, टोटो मिलने से ठीक है, नहीं मिलने से मैं ऐसे जाऊँगी। तो फिर जाते हैं। फिर मैं पहुँच गई हूँ चर्च में। हे गाइस, मैं भी पहुँच गई हूँ चर्च में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद जो सुकून मिल रहा है। प्रेयर सेट शुरू नहीं हुई, होने वाला है, तो फटाफट से जाती हूँ। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ। ये देखिए कितना सारा बाजार करके, तो जल्दी हो गया। मैं सोची 8 बज जाएगा, बट अभी 7:30 हो रहा है, मैंने 37 हो रहा है। तो मैं पहुँच गई हूँ अभी घर। तो यहाँ पे देखिए मैं कितना सारा सब्जी लेके आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग, और मैं डोरीस आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आज मैं किचन से डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोगों को। मेरा सुबह का ऑनलाइन क्लास सब था मेरी मेरी बेटी का, तो मैंने फटाफट से आप लोग मैंने अभी जस्ट मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आज मैं बनाने वाली हूँ इलिश मछली का ग्रेवी। तो मैंने भापा बोलते हैं उसको, तो मैं फिर बनाती हूँ, फिर आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। दोपहर का मैंने लंच रेडी कर रही हूँ अभी, तो फिर चलिए फिर मिला बनाते हैं साथ में। तो यहाँ पे ईबू का क्लास ख़त्म हो गया है, वो अपने ड्रेस खुलने नहीं मान रही क्योंकि राजीव पैसे बोर्ड लेके दिए हैं, तो उसको लिखने में मज़ा आ रहा है। कभी तब से ही मांग रही थी लिखने के लिए, बट मैं उसको किसी तरह रखी थी क्लास में, तो अभी क्लास ख़त्म हो गया है तो लिख रही है। खैर ठीक ही है, मैं क्योंकि किचन में मैंने किचन में घुस गई हूँ, खाना वाना फटाफट रेडी कर लूँगी क्योंकि राजीव कस्टमर का डॉक्यूमेंट सब लेने गए हैं मिलन मोड़ तरफ। तो ऑफिस जाते वक्त वो घुसते हुए खाना खा के जाएंगे घर से, क्योंकि घर मैंने ऑफिस आते हुए काफ़ी रात हो जाती है, आजकल लेट हो जा रहा है, डेली डेली 8, 8:30, 9 बजे तक घुस रही है, तो दोपहर तक भूखे रहेगा, बाहर का भी ज़्यादा खा भी नहीं रहे। तो मैं बोली खाना वाना खाते जाना, मैं रेडी कर लूँगी बोल के। यहाँ पे देखिए मैं इलिश मछली का प्रोसेस दिखा रही हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे हाफ केजी से थोड़ा कम है हम लोगों का ये मछली। और यहाँ पे देखिए मैं मछली को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसको यहाँ पे रखूँगी और सारा मसाला एक पर ही डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं मसाला में पीस ली हूँ आज सरसों, मैंने यहाँ पे काला और वाइट सरसों को मैं मिला के, और दो दो कली लहसुन और दो मिर्ची डाली हूँ हरा मिर्ची। तो इसको मैं अच्छा से 2 या 3 मिर्ची डाल के पीस ली थी। तो यहाँ पे मैंने सरसों डालने के बाद तो यहाँ पे देखिए मैं हल्दी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे सिंपल सा बनाना है, कोई भी बना सकता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है इलिश मछली का फ्लेवर से। मैंने इससे मैं इतना भात खा लेती हूँ ना, बाप रे। तो यहाँ पे देखिए मैं इलिश मछली का मैंने ग्रेवी बनाने वाली हूँ, मैंने इसका भाफा बोलते हैं। तो इसमें अभी मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। हाँ, इसमें सरसों का तेल ही चाहिए, दूसरा तेल से अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा सरसों का तेल ही यूज़ करने के लिए जब भी बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए अच्छा से इसको सारा मसाला डालने के बाद इसको अच्छा से मिला लूँगी इस टाइप से। यहाँ पे मेरी बेटी आके मुझको बीच बीच में ऐसे मुख बना रही है कि हंसी आ रहा है उसको देख के। तो मम्मी मैं भी इसको ये करूँगी बोल रही है, तो मैं उसको नहीं दे रही करने के लिए। तो खैर यहाँ पे मैं सारा मसाला डाल दी हूँ, तेल भी डाल दी हूँ, अभी इसमें मैं नमक ऐड कर लूँगी और सारा चीज़। हाँ, नमक भी अच्छा से ऐड कर, मैंने कम ही डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डाल देने से ना मैंने खार हो जाने से तो आप बाद में फिर उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। कम होने से तो खूब फिर डाल के थोड़ा बना सकते हैं, उसको खा सकते हैं। ये तो इसीलिए यहाँ पे मुझको थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो आधा नमक मैं फेंक दी हूँ, बाद में कम लगने से ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छा से मेरा सारा मसाला रेडी हो गया। तो मुझको तेल भी थोड़ा कम लगा सरसों का तेल, तो मैं ऊपर से फिर से डाल दे रही हूँ। अच्छा से तेल को अच्छे से डालने के बाद फिर से मिला ले रही हूँ। तो यहाँ पे सारा मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ। हाँ, पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपका मछली का क्वांटिटी कितना है उसी हिसाब से डालना है पानी। तो यहाँ पे मेरा मछली 1/2 kg से भी ज़्यादा मैंने कम है थोड़ा, तो इसमें मैं करीब 2 कप मैंने पानी डाल दे रही हूँ, छोटा वाला कप में जो हम लोग चाय पीते हैं उसमें 2 कप पानी डाल के। और मैं इसको अभी गैस में मैंने बैठा दूँगी, उसको कुछ नहीं करना है बीच में। हाँ, आपको एक बार पलटा देना होगा मैंने मछली को। तो यहाँ पे देखिए शुरू में जब आप चढ़ाएंगे ना ये कढ़ाई को, जब रखेंगे ना तो उसमें मैंने ज़्यादा आंच कीजिए, उसके बाद धीमी आंच करके इसको आस्ते से पकाना है, इसको हड़बड़ी करके नहीं पकाना है ये मछली को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मेरा मछली लगभग पक ही गया, तो रेडी हो गया यहाँ पे मेरा मछली। इसको बोलते हैं इलिश मछली का भाफा।
तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया है, भिंडी का भाजा और इलिश मछली का भाफा। तो राजीव का उधर काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे खाना वाना खाते मने जाएंगे बोले थे, तो इसलिए मैं इसके लिए खाना लगा दे रही हूँ। तो गर्मा गर्म इलिश मछली का भाफा के साथ, ये मने इसके साथ कुछ भी ना हो ना तो इतना भात मने खिला लेता है, मैं तो खा लेती हूँ। इसके इलिश मछली होने से मुझको कुछ भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा से। हाँ, मुझको टमाटर सलाद में सलाद चाहिए, और ये इलिश मछली का ग्रेवी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा भिंडी भजा भी हो गया था, तो राजीव को मैं खिला ले मैंने खाना खाने के लिए दे रही हूँ, तो फटाफट से वो खा के निकल जाएंगे अभी। तो यहाँ पे राजीव का खाना खाने के बाद वो चले गए हैं। तो यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर ले रही हूँ, और यहाँ पे साइड में प्लेट में देख रहे, ये मछली का मैंने अंडा है, तो उसको मैं पकौड़े बना लूँगी। खैर, मुझको तो खाना मैं तो खाऊंगी नहीं, और राजीव ही खाएंगे, तो बना देना बोल के बोले थे, तो मैं उसके लिए बना दूंगी। और इबू के लिए 3-4 पीस मछली लेके आए, क्योंकि इलिश मछली में इतना काटा रहता है ना, तो नहीं खा पाएगी, तो उसके लिए हम लोग रोहू मछली लेके आ दिए हैं। तो उसके लिए मैं इसे फ्राई कर दे रही हूँ, ये पेटी पीस को खा लेगी बढ़िया से, और उसको ये वाला मछली को झोल बना दूंगी, क्योंकि मछली का झोल तो मैंने खाना अच्छा है बच्चा के लिए। और मेरी बेटी बहुत ही पसंद करती है मछली, उसको मीट से भी ज़्यादा मछली पसंद है, तो उसके लिए हम लोग बीच बीच में ला ही देते हैं। तो मेरी बेटी का फ्राई होने के बाद यहाँ पे पतला सा ग्रेवी बैंगन और आलू डाल के मैं बना दी हूँ, मैंने यहाँ पे एक भी मिर्ची नहीं डाली हूँ। तो मेरी बेटी का भी खाना रेडी हो गया है यहाँ पे, जो मछली का अंडा का पकोड़े भी रेडी हो गया है राजीव के लिए, शाम को आके खाएंगे, गरम कर दूंगी बाद में। यहाँ पे इबू का मैंने हम लोग माँ बेटी है दोनों जन, और इबू का खाना खाने का टाइम हो गया है, अभी दिन का टाइम हो रहा है 1:30, और यहाँ पे मैं इसको खाना खिला ले रही हूँ। और दिन पहले ना वो खाना खुद से खा लेती थी, बट अभी बड़ी हो गई है ना, तो खेलने के धुन में खाना खाने ही भूल जाती है। मैं 2-3 बार इसे ट्राई करके देखी थी देखे, बट वो भूल जाती है, एक बार उधर जाएगी एक बार उस समय उसे ही पड़ा रहेगा, खुद से अच्छा है कि मैं ही खिला दूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी का खाना भी हो गया है, और मैं भी खाना खा ली हूँ, और यहाँ पे जो घर फैला फैला सा था उसको मैं अच्छे से उठा के झाड़ू वगैरह सारा कर लूँगी, कारपेट तो खैर मैंने झाड़ू कर लिया है। तो यहाँ पे इबू ना आजकल मैंने जो मेरे मैं करती हूँ अकेले रहती हूँ दिन को, तो मेरे साथ वो रहती है, तो साथ साथ कुछ काम करती हूँ तो करती है। पहले ना मुझको इरिटेट होता था कि मैं छोड़ो छोड़ो मत करो मैं करूँगी अब जाओ उधर बोल के, तो काम वाम करती थी तो मोबाइल दे देती थी, बट आजकल मैं उसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे करते करते ना बच्चा लोग सीखते भी हैं कि मैंने कुछ कुछ अपना से करना है, अभी बड़ी हो रही है तो उसको भी मैंने देखना चाहिए सीखना भी चाहिए। तो आजकल उसका साथ साथ मेरे साथ खेलना भी हो जाता है, और काम भी मैंने उसको भी अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाए, क्योंकि अकेले वो बैठ के तो नहीं रह सकती है ना, अभी बड़ी हो रही है, तो मेरे साथ साथ वो भी कर लेती है, उसका भी इंजॉय हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मैं रैम्स लगा दी हूँ लैपटॉप में, तो उसको एक ही वाला रैम्स पसंद आ रहा है, जो रैम्स देख रही है तो उसको बहुत पसंद आ रहा है, तो बार बार ख़त्म होने से मम्मी उसी को रिपीट कर दो लगा दो। तो और आजकल ना मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ, क्योंकि मोबाइल में देने से ना एक जगह बैठ के फिर वो लोग टिपा टिपी ऑनलाइन सब भी ऑन करने आ जाता है, क्योंकि आजकल मोबाइल से जितना दूर रखो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे लोग को ना थोड़ा सा भी देखते हैं तो सारा कुछ आ जाता है, इवन ईबू को भी वो आ जाता है कि मैंने वाईफाई सारा ऑन कर लेती है, तो मुझको डर लगता है फिर मोबाइल दे देने से उल्टा पल्टा इधर मैसेज वगैरह सारा भेज देगी, तो इसलिए मैं अच्छा है कि मोबाइल से दूरी रखती हूँ थोड़ा। यहाँ पे ना मैं एक चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लगा, मैं ईबू का ये चीज़ देख के, तो यहाँ पे मैं देखिए मैं इधर से झाड़ू करने के बाद यहाँ पे मैं सारा कचरा को यहाँ पे रख के गई थी अंदर वाला रूम सबको झाड़ू करने के लिए, बट मेरी बेटी को देखिए यहाँ पर आके सारा वो डस्टबिन को उठा के मैंने उठा के वहाँ पे कचरा को डस्टबिन में डाल दी थी। तो मैं वहाँ से ना अंदर से झाड़ू करते आते देख रही थी कि झाड़ू मेरे यहाँ का कचरा कहाँ चला गया, बट बाद में मैं वीडियो देखी तो मुझको पता चला, और मुझको बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इसीलिए आजकल साथ साथ रखती हूँ, देख के बहुत ही अच्छा लगा, पहले मोबाइल सब बिठा देती थी काम होने से, बट आजकल मैं साथ साथ रखती हूँ अकेले रहती है, तो उससे क्या होता है मैंने बच्चे लोग जिम्मेदार भी बन जाएंगे, और हम लोग मैंने अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा देख के आज इबू को इसे। पे देखिए मैं शाम को मिल रही हूँ डायरेक्ट आप लोगों के साथ, और यहाँ पे मैं अंडा ऑमलेट बना रही हूँ, ऑमलेट बनाने के बाद इसी को मैं सब्जी बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मेरा भाई मैंने
खाना बाद में आऊँगा बोला है, तो इसीलिए मैं आज खाना मैंने खाना बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि मछली का झोल तो रात को ना मैंने इलिश मछली सब कांटा सब खा पाएगा नहीं पाएगा बोल के, और मैंने झोल भी नहीं बनाई थी, हम लोग ग्रेवी से थोड़ा ही खाए थे, मैंने ग्रेवी से ही खाए थे सूखा सूखा, फिर कोई आने से इसे देते नहीं बनता है, तो इसीलिए मैं अभी अंडा को ही स्टेप से बनाने के बाद झोल बना लूँगी, और मछली सब है वो खा पाए मैंने खाने सकेगा तो खा लेगा आके। बेटी सो को मैंने सो के उठने के बाद हम लोग थोड़ा घूमने गए थे इधर रास्ता रास्ता, तो मैं रेडी हो मैंने रेडी होके गए थे, तो मैं आके चेंज भी नहीं की हूँ, मैंने खाना वाना बना लेने से ठीक रहेगा, कोई आने से फिर ना मैंने अच्छा नहीं लगता है खाना वाना बनाओ फिर बात तूत करते नहीं बनता है, तो यहीं पे अंडा आलू को मैं झोल बना लूँगी। अभी टाइम मैंने शाम का टाइम हो रहा है करीब अभी 6 बज रहा है, तो मैं यहाँ पे खाना को फटाफट से रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा इबो को पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी, और ठीक है बाद में भाई लोग भी आ जाएंगे, तो अभी सारा चीज़ करके रखने से ठीक रहेगा, नहीं तो आदमी लोग आ जाने के बाद दिक्कत हो जाता है, तो इबो को भी अच्छा से तो मैंने थोड़ा देर के लिए पढ़ाने बिठाऊंगी, तो अभी वो घूम के आए हैं तो खेल रही है उस मैंने होल रूम में, तो अभी मैंने राजीव का भी आने के लिए टाइम है, तब तक खाना भी बन जाएगा, इबू भी पढ़ लेगी, नहीं तो कोई आ जाने के बाद वो पढ़ने भी नहीं मनती है। इसका हम लोगों का दिन कुछ इस तरीके से बीता, आई होप आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ जो लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल में नया जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ, अच्छा से रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।